आज कुछ खास खबर देखते हैं। आखिर क्यों नाना पटोले को गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र से रखा जा रहा है दूर? क्या है इसकी वजह? क्या पटेल को लगता है नाना इसका चुनावी गेम बिगाड़ देंगे? एसएस रामा सुबू है, एक एमपी है तमिलनाडु से। हमारे कोडानाडा रेड्डी जी है, ये एक एमएलए है तेलंगाना से। ये वाइस चेयरमैन है हमारे, ये श्याम पांडे जी है, ये भी वाइस चेयरमैन है। सुरेंद्र सोलंकी जी है, ये भी वाइस चेयरमैन है। ये मुकेश बाबा जी बिहार से हैं। ऐसी हमारी पूरी टीम है। तो आपको प्रेस नोट भी हम दे रहे हैं, और जो थैंक्स का हमारा जो इशू है, तीन राज्यों में राहुल जी का हम लोग जो चुनाव में जीते, संकल्प अनुसार तीनों राज्यों में सरकार के बनते ही दो तीन दिनों में अंदर ही किसानों का कर्जा माफ करने किए जाने का काम शुरू हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद हम करते हैं। मैंने जब भी कहा कि धान की फसल हो या फसल हो, सब फसल हम खरीदने का काम शुरू किया और उसमें ज़्यादा दाम में खरीद रहे हैं। और इसलिए किसान कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और देश के किसान राहुल गांधी जी के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया कि किसान कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को देश में सभी किसानों का कर्जा माफ होने तक चैन से नहीं बैठने देंगे और श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। नाना पटोले अपने राजनीतिक सफर में चुनावी रणनीति की बारीकियों पर नजर रखते हुए कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़े। समोरच्या दोन महिन्यानंतर जे काही चित्र आपल्या समोर निर्माण होतं, पिण्याचं पाणी हे सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला अडचणीचं आहे। आणि म्हणून आता जे काही नाले वाहत आहेत त्याला आपण सामाजिक संस्थेनी, आमच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतल्या लोकांनी सगळ्यांनी एकत्रित येऊन आता हे पाणी जे वाहत आहे नदीला चाललं, हे पाणी अडवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे। नाहीतर आपल्या समोर एक मोठं दुष्चक्र या वर्षाला पिण्याच्या पाण्याचं येणार आहे। कारण की आपण पाहिलं की या वर्षाला जे काही पाणी आपल्या भागामध्ये पडते ते फक्त 50% पाऊस आपल्याकडे पडलेला आहे, त्याच्या आत पडलेला आहे। 3 वर्ष प्रयत्न करतोय, त्याची मागच्या अधिवेशनामध्ये आपल्या राज्य केंद्राचे वीज मंत्री त्यावेळेचे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मीटिंग झाली आणि त्याचे सर्वे करण्यासाठी लोकही आली आणि आता या प्रकल्पाला सुरू करण्याचा एक निर्णय त्यांनी घेतला।
पण खऱ्यार्थाना आपण पाहिलं आमदार साहेब की गेल्या 3 वर्ष या महाराष्ट्रातलं आणि केंद्रातलं सरकार आलेलं आहे तर खऱ्यार्थाना विकास पागल कुठं झाला तर नागपुरात झाला. आपण नागपुरात जातो ना सगळेजण तर विकास कुठं पागल झाला कुठं झालेला विकास पागल नागपूरमध्ये. तो नागपूरचा विकास पागल आपल्या भागात केव्हा येईल याची चिंता करण्याची गरज आहे. कारण की आपल्याला कळत आहे सगळ्या लोकांना कळत आहे की नागपूर सगळीकडे खोदून ठेवलेलं आहे नवीन उद्योग येतात आहे. ज्या एम्स हॉस्पिटलसाठी प्रधानमंत्र्यांना आम्ही पहिले सांगितलं होतं की सगळ्यात मोठी आमच्या भागात अडचण असेल ती आरोग्याची. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए धन्यवाद.